सवाईमाधोपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर रणथंबोर पैटर्न बुकिंग पर हंगामा हो गया है। सीट कम होने पर पार्क सफारी पर नहीं जाए कुछ पर्यटक, और इसी को लेकर ये जोरदार हंगामा देखने को मिला। हालांकि इस दौरान कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस और पर्यटकों में तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं पर्यटकों ने पुलिस को खरी खोटी भी सुनाई है, तो पर्यटकों ने पुलिस पर धमकाने का आरोप यहां पर लगाया है। और तस्वीरें आपके सामने, रणथंबोर पैटर्न बुकिंग को लेकर यह हंगामा हो रहा है, सीट कम हुई और इसी के चलते पार्क सफारी पर ये पर्यटक नहीं जा पाए। जब मामला ज्यादा बढ़ गया तो तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस के बीच और पर्यटकों के बीच यहां पर तीखी नोकझोंक और आरोप यहां पर लगाया है पर्यटकों ने पुलिस पर धमकाने का, तो कई खरी खोटी भी यहां पर पर्यटकों ने पुलिस को सुनाई है। तो रणथंबोर पैटर्न का मामला है, सफारी करने ये पर्यटक वहां पर पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान सीट कम हो गई जिसके चलते वो सफारी में नहीं जा पाए, और इसी को देखकर यहां पर ये हंगामा हो गया कि आखिरकार क्यों दूसरी कुछ और व्यवस्था यहां पर क्यों नहीं की गई, क्यों बुकिंग यहां पर पहले से ही बंद कर दी गई। तो इसी तरह का गुस्सा और इस तरह का हंगामा जब यहां पर देखने को मिला तो तुरंत ही पुलिस को जानकारी दी गई। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सुदर्शन हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुदर्शन, क्या फिलहाल ये जो मामला है वो सुलझ गया है या अभी भी यहां पर पुलिस और पर्यटकों के बीच तनातनी देखने को मिल रही है? अभी यह मामला सब सुलझ गया है, पर्यटक अपने होटलों में वापस चले गए हैं और पुलिस भी अपने कोतवाली थाने चली गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह मामला अभी भी पेच अभी भी फंसा हुआ है, पर्यटकों को अभी भी रणथंबोर में सफारी करने को नहीं मिल रही है। क्या वजह इसके पीछे बताई जा रही है सुदर्शन? सॉरी, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है, आखिरकार क्यों सफारी करने के लिए नहीं दिया जा रहा? बड़ी बात यह है कि 1 अक्टूबर को रणथंबोर अभयारण्य जो पूरा जो खुलता है, मुख्य जो जोन है 5 जोन वो खुलते हैं, इसके अलावा 5 जोन जो बारिश के दिनों में भी खुले रहते हैं, उस दौरान अभी सिर्फ 1 जोन रणथंबोर के अधिकारियों ने खोल रखा। और बहाना ये लगाया जा रहा है कि वहां पर जो रास्ते हैं जो खराब है हो गए हैं, इस वजह से वो 4 जोन उन्होंने बंद कर दिए, इसलिए जो पर्यटक जो एक्स्ट्रा जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग ऑलरेडी करा रखी थी वो अब ऑनलाइन बुकिंग होने के बावजूद भी वो जंगल नहीं जा पा रहे। ऐसे में वो पर्यटक जो जिनको जंगल जाना था, उनकी पैसा उनका जमा था होटलों में, उन्होंने पेमेंट किया था, वो यहाँ पर आ गए थे, उसके बाद भी जंगल नहीं जा पा रहे, तो उन वो पर्यटक वहाँ पर हंगामा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जंगल जाना था, उनकी बुकिंग थी, उसके बावजूद नहीं जा पा रहे, ये मुख्य कारण इस बात का। तो सीधे तौर पर जो लापरवाही है यहाँ पर रणथंबोर विभाग की है, वहाँ के प्रशासन की है कि बुकिंग जब ऑनलाइन हो गई थी उसके बाद भी सफारी नहीं करने दी जा रही? निश्चित रूप से ये बिल्कुल वन विभाग की वजह से ये हालात यहाँ पर पैदा हुए हैं। पिछले दिनों में जब भी पर्यटक यहाँ पर एक्स्ट्रा आए हैं तो इन्होंने गाड़ियां यहाँ पर रणथंबोर के हर जोन में अधिक भेजी है, लेकिन इस बार सिर्फ 8 गाड़ियों में ये पर्यटकों को भ्रमण करा रहे हैं, इससे ज्यादा गाड़ियां नहीं भेज रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुदर्शन हमारे साथ जुड़ने के लिए।